नमस्कार सभी सुधीजनों को, देवव्रत भट्ट का बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। श्री सीमेंट राजस्थान फोरम और रघुमाला माथुर चैरिटी ट्रस्ट, इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये जो सुमिरन सीरीज शुरू की है, ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल का अच्छा इनिशिएटिव है। और राजस्थान के जो आर्टिस्ट्स हैं उनको घर बैठे हुए प्रोत्साहन देने के लिए, प्लस आप जो श्रोतागण हैं उनको घर पर बैठे हुए एक आध्यात्मिक अनुभूति देने के लिए, ये जो कार्य इन्होंने किया है उसके लिए हम सभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का, सुधीर माथुर जी का, अपरा कुछल जी का, संदीप भुतोड़िया जी का और श्री सर्वेश भट्ट जी का, जिन्होंने हम सबको ये मंच दिया है और आप सब लोगों को हम तक पहुंचाने का ये कार्य कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कुछ ओरिजिनल संगीत, जो मैंने, मेरे ताऊजी श्री राजीव भट्ट जी ने, या मेरे पिता श्री हेमंत भट्ट जी ने, और मेरे ग्रैंडफादर श्री लेट श्री महेंद्र भट्ट जी ने कंपोज किया है। और हम इसमें कुछ अच्छे भजन सुनेंगे, कुछ कुछ फिल्मी गाने भी, मैं जो फिल्मी भजन है या देशभक्ति से जुड़े, क्योंकि देशभक्ति भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भक्ति है, तो उससे भी रिलेटेड मैं कुछ गाने आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कोशिश करूंगा इस 1 घंटे के अल्प समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाने सुना पाऊँ और आप लोगों का मनोरंजन कर पाऊँ, आपको एक सुखद अनुभूति प्रदान कर पाऊँ। और इसमें मेरा साथ देने वाले हैं, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे ताऊ जी श्री राजीव भट्ट जी, जो कि बहुत अच्छे संगीत गुरु हैं, बहुत महान गायक और संगीतकार हैं, आप सभी जानते होंगे। मेरे पिता श्री, मेरे गुरु पंडित हेमंत भट्ट जी, श्री हेमंत भट्ट जी जो कि संगीत गुरु हैं अगेन, और बहुत सालों से शिक्षा दे रहे हैं। आज मेरे साथ तबले पे संगत करेंगे, पंडित राजीव भट्ट जी मेरे साथ हारमोनियम पे संगत करेंगे। इन लोगों का बड़प्पन है कि खुद इतने बड़े, इतने महान आर्टिस्ट होते हुए मेरे साथ आज ये संगत करने के लिए बैठे हैं। इनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है, दोनों ही मेरे गुरु हैं और मैं यही बोल सकता हूँ इनके लिए कि आपका ही है सब कुछ और आपको नजर है, और आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा आज की ये मधुर शाम। हम लोग गणेश वंदना से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गणेश जी को हम सबसे पहले याद करते हैं। तो एक हंस ध्वनि राग में मैं गणेश वंदना आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। विघ्न हरण गजवर्धन गजानन, विघ्न हरण गजवर्धन गजानन, करहु कृपा मुँह पे हे शिवनंदन, विघ्न हरण गजवर्धन गजानन, करहु पामों पे हे शिवनंदन, विघ्न हरण गजवर्धन गजानन। निर्गर निपसा पगगर ससागर सनि पसरगा, विघ्न हरण गजवर्धन गजानन। सिद्धि नवनिधि के दाता दाता, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, सब जग के तुम बुद्धिविधाता, शंकर नंदन आपने रंजन, भक्तन के तुम जगवंदन, विघ्न हरण गजवर्धन गजानन, करहु कृपा मुँह पे हे शिवनंदन, विघ्न हरण गजवर्धन गजानन।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको ये मधुर गणेश वंदना जो राग हंस ध्वनि में थी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से हम शाम को आगे बढ़ाते रहेंगे, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल संगीत और कुछ सुना हुआ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हम कुछ बातें भी करते रहेंगे क्योंकि एक इंटरेक्टिव सेशन है, तो मैं इसको सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रखते हुए आप सबसे थोड़ा थोड़ा बीच में बातें भी करूँगा। और उन बातों में मेरा जो मेन मकसद रहेगा वो, अभी देखिए हम सबको पता है कि कोरोना नाम की ये जो इतनी भयंकर वैश्विक महामारी है, इसने सबको बहुत हताहत किया है, एक पूरा कोहराम मचा रखा है। पर उस बीच में जो ये इनिशिएटिव लिया है, अगेन श्री सीमेंट राजस्थान फोरम और ये रघुमाला माथुर ट्रस्ट ने, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप लोगों तक तो इतना अच्छा आध्यात्मिक संगीत पहुँचा रही है और ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मतलब मेरी तहे दिल से इन लोगों के लिए वापस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह का ये जारी रखें। इनफैक्ट जब कुछ ये सही हो जाए सब कुछ, उसके बाद भी हम इस तरह की सीरीज़ को चालू रख सकते हैं ताकि नए कलाकारों को इस तरह मंच मिलता रहे और आप सब लोगों को संगीत रस का आनंद लेने को भी मिलता रहे। और हम लोगों ने, इंसानों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। बड़ा हम घमंड करने लगे थे, बहुत अपने आप पे गुरूर करने लगे थे छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे। तो हमको इस महामारी ने, ये जो भी हुआ है, बहुत कुछ सीखने को भी दिया है, एक मानवता को बहुत बड़ा एक लेसन भी दिया है कि हमको हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना है और अपने आसपास जो लोगों की कदर करनी है सबसे प्यार से रहना है। और इस पूरे एक बड़े कॉन्सेप्ट को बड़े ही चार लाइनों में खूबसूरती से बयां किया है जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल के कुछ बोल ने, वो सिर्फ वो बोल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि बड़े ही फिलोसॉफिकल, बड़े स्पिरिचुअल हैं। तो गरज बरस प्यासी धरती पर, तो ये पंक्तियां ये कहती हैं कि दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसका जो सत्व है, इस गाने का जो तत्व है, वो आपको समझ में आया होगा कि सोच समझ वालों को थोड़ी सी नादानी दे मौला। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे अंदर का बचपना, जो मासूमियत है, हम कुछ भी कर लें जीवन में, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और हमें रखनी चाहिए, यही सीख देता है ये गाना। तो अब हम अगली अपनी कड़ी की तरफ जाते हैं जहाँ भव्य, मेरे जो बहुत ही परम मित्र, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और जो आज मेरे साथ यहाँ लाइव होने वाले थे पर किसी पर्सनल रीजन के कारणवश वो नहीं आ पाए, तो मैं उनके लिखे हुए जो गीत मैंने कंपोज किए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक हमने अभी रिसेंटली जो अपना गाना लॉन्च किया था उसका टाइटल है रावण राम, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फिलोसॉफिकल गाना है जो भव्य ने इतनी खूबसूरती से लिखा है। इसकी जब लिरिक्स में अभी आप गाऊंगा और आप सुनेंगे आपको खुद ऐसा एहसास होगा। तो अंतर्द्वंद को दर्शाता है ये गाना, अद्वैतवाद का गीत है और बहुत कुछ सीखने को देता है। और ये गाना यूट्यूब पे बहुत अच्छा, आप लोगों के प्यार से बहुत 1 लाख से ज़्यादा हिट्स इसको मिले, सारी म्यूजिकल स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी उपलब्ध है, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और आज मैं आपके सामने पहली बार ये गाना लाइव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो जो ओरिजिनल ट्रैक है गाने का उसी के ऊपर। तो रावण राम,
दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम। दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम। मुझ में ही सृष्टि तमाम सत रज तम सारे काम ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम। हो दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम। मुझ में ही सृष्टि तमाम सत रज तम सारे काम ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही या प्रकाश पै भी मैं हूँ मैं विश्वास। हो अंधियारा हो या प्रकाश पै भी मैं हूँ मैं विश्वास। मैं ही से जन सर्वनाश मुक्ति मैं हूँ पास। मुझ में ही सब चारों धाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम मुझ में ही सब चारों धाम। शब्द योजन भाव राग जल गगन भू वायु आग। हो शब्द योजन भाव राग जल गगन भू वायु आग। खुद से तू मत दूर भाग नींद से अब जाग जाग। ढूंढ भीतर कर प्रणाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम ढूंढ भीतर कर प्रणाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम। दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम। मुझ में ही सृष्टि तमाम सत रज तम सारे काम। दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम। मुझ में ही सृष्टि तमाम सत रज तम सारे काम ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम। जो घर पे बैठे वो भी साथ में गुनगुनाएं मंत्र। जो भी सुन रहे हैं साथ में गाएं। ये थी मेरी रावण राम की प्रस्तुति। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा और ज़रूर इसको आप सुने जाके YouTube पे भी लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। और गाना बहुत अपने आप में अच्छा मैसेज देता है। मेरे भाई भव्य ने बहुत खूबसूरत लिखा है और भव्य आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके हिस्से का कार्य भी है जो मैं कोशिश कर पाऊँ, सिर्फ मैं कोशिश कर सकता हूँ उसको निभा पाने की। बाकी आपकी तो बात जो है वो ऑफकोर्स कोई भी नहीं छू सकता उस चीज़ को, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बहुत कुछ बोल के भी लोगों को मंत्रमुग्ध रख पाऊँ।
इस कड़ी में अब मैं नेक्स्ट थोड़े से मीठे थोड़े सॉफ्ट भजन आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। इनमें से कुछ भजन मेरे ताऊ जी श्री राजीव भट्ट जी ने बनाए हैं, कुछ मेरे पिता श्री श्री हेमंत भट्ट जी ने कंपोज किए हैं, एक दो मैंने किए हैं। इसमें कबीर के भी कुछ भजन हैं। और मैं उसके पहले आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई गौरव भट्ट भी मुझसे जुड़ चुके हैं, वो गिटार पे मेरा यहाँ पे साथ देने वाले हैं। और गौरव भट्ट को भी आप सब जानते ही होंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं। और मैं बहुत इस वक्त अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, इतने अच्छे आर्टिस्ट से मैं घिरा हुआ हूँ और ये सब लोग मेरे साथ संगत करने के लिए मौजूद हैं, जो किसी मैं कहता हूँ वरदान से कम नहीं है। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरा को अभी ज़्यादा हिला नहीं सकता क्योंकि ये लोग सब मेरे आसपास बैठे हैं, और मैं लेकिन ये सेशन खत्म होने से पहले ज़रूर आपको रूबरू कराऊंगा इन सबसे। इस कड़ी में अगला जो गाना है वो है अब तो हरी नाम लौ लागी। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी और जो संगीत है हमारे साथ का वो मेरी आवाज़ पे भारी नहीं पड़ रहा होगा। अगर ऐसा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं उसको सही कर पाऊँगा।
मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके श्याम किशोर भयो नवगौरा श्याम किशोर भयो नवगौरा चैतन्य जाको ना अब तो हरि नाम लौरागे हरि नाम लौरागे ये साथ में हरि नाम लौरागे हरि नाम लौरागे हरि नाम लौलागे हरि नाम लौलागे मेरे जो संगीता के दोस्त हैं जो भी देख रहे हैं वो साथ में गाएं हरि नाम लौलागे 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 बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये स्वरबद्ध किया हुआ है मेरे ताऊ जी श्री राजीव भट्ट जी का, बहुत ही खूबसूरती से। मैंने सिर्फ एक प्रयास किया था इसको आपके सामने निभाने का। अगला जो हम गाना गाने वाले हैं, इसमें जो भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, मेरी और मेरे एक बहुत पुराने दोस्त थे अपूर्व, उन्होंने इस गाने को मिलकर कंपोज किया था। ये अभी मुझे रिसेंटली ही याद आया तो मैंने सोचा आप सबके सामने इसको प्रस्तुत करता हूँ। तो सुबह सुबह लो शिव का नाम, ये एक काफ़ी पॉपुलर लिरिक्स हैं, काफ़ी लोगों ने इसको अपने अपने स्वरों में ढाला है। तो हमने इसको कोशिश किया था कि हम भी अपना एक कंपोजिशन बना पाए, तो मैं अब आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले कहने से सामाधा थोड़ा पानी मुझे ठंडा है, नॉर्मल एक साथ गाते गाते थोड़ा गला सूखने लग जाता है, तो मैं एक घूंट पानी का पी के और आया। सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का बनेंगे बंदे तेरे काम, सुबह सुबह लो शिव का नाम बनेंगे बंदे तेरे काम, मन से करो शिव का नाम बनेंगे बंदे तेरे काम, पानी में जो दिए जला दे उनकी महिमा बड़ी बनेंगे बंदे
सबके भाग्य विधाता वो है, भय भंजन सुख दाता वो है, सबके भाग्य विधाता वो है। सच्चे मन से मांग के देखो, कोई नहीं उन साधनवान, कोई नहीं उन साधनवान। मन से करो शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये कंपोजिशन अच्छी लगी होंगी। मेरे मित्र अपूर्व जिन्होंने ये मेरे साथ में कंपोज किया था, अगर वो कहीं से भी सुने, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ये बनाए हुए हमको शायद 8 साल हो गए, लेकिन आज पहली बार मैंने इसको पब्लिक फोरम पे प्रेजेंट किया है, तो आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। इसके बाद जो हम गाने जा रहे हैं, एक बहुत ही फेमस ये सॉन्ग है, ये गजबंद भजन है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो अभी ये बड़ी एक दुविधा वाली ये इसमें एक जो भावना है उसको प्रस्तुत किया गया है, और मैली चादर जो है उसको मेरे ख्याल से जो डिपिक्ट किया गया है वो हमारा शरीर है, जो मैली चादर है उसको हमारे शरीर से उन्होंने तुलना की है कि हम लोग बहुत सारे जाने अनजाने, बहुत सारे पाप, बहुत सारी कुसंगतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर देते हैं जिससे हमारा ये जो शरीर है, हमारा मन है, वो मैला हो जाता है। और ये जो भावना है वो ये है कि मैं इस तरह कैसे तुम्हारे दर्शन के लिए आऊँ। लेकिन जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो हर किसी को समान समझते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ। चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही तुम्हारे आऊं।
परमेश्वर मेरे मन ही मन बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त ही रखा क्योंकि अभी काफ़ी सारे गाने मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, टाइम आधा निकल चुका है, आधा ही बचा है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ और सबके मन की जो फरमाइशें आ रही हैं मैं कोशिश करूँगा उनमें से सब तो नहीं लेकिन कुछ मैं पूरी ज़रूर कर पाऊँ। और मेरे पास एक फरमाइश आई है, अहमद बशीर साहब ने ये कहा है, ओम नमः शिवाय। तो ये भूपाली राग में बहुत ही एक सुंदर बंदिश है जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, तो मैं ज़रूर आपके सामने थोड़ी सी एक अंतरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और अहमद बशीर जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत राग भूपाली में ये बनी हुई है। बशीर जी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और रतिया की भी रिक्वेस्ट की है सुधीर जी ने, सुधीर जी रतिया के लिए मैं बोलना चाहूँगा, मैं ज़रूर आपको ये सुनाता पर अभी हाल फिलहाल मेरे पास का कैरोके ट्रैक हैंडी नहीं है और क्योंकि मैं अपने ही फ़ोन से लाइव हूँ इसी के अंदर वो ट्रैक है। मैं आपको डेफिनेटली ये वापस से कभी ज़रूर भेजूँगा इसका वीडियो बना के और मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक मेरे पापा की कॉम्पोजिशन है, ये कबीर का लिखा हुआ गीत है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, और ये मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक नई कॉम्पोजिशन मेरे पिताजी श्री हेमंत भट्ट जी ने बनाई है इसकी। और अभी स्पेशली ये सिनेरियो जो है जिसमें मंदिर बंद हैं और सारे ही धर्म स्थल जो हैं वो बंद हैं और इसमें ये बहुत बड़ी सीख देता है गाना कि मुझे आप कहाँ ढूंढने जा रहे हो, मैं तो आपके अंदर हूँ। तो अगर हर इंसान ये चीज़ पहचान जाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, तो हम डेफिनेटली जो खोज में इस तलाश में घूमते रहते हैं और ज़िंदगी भर निकल जाती है पर ढूंढ नहीं पाते हैं वो बहुत आसान हो जाए। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने अंदर का जो भगवान है, अपने अंदर का जो राम है,
उसको पहचानें और उसको ही पालें पोसें, उसी को आप नरिश करें, ताकि जो बेहतर समाज की हम संरचना कर सकें और सबके लिए हम केयर करें, सबके लिए कंसर्न रखें। एक अच्छे इंसान बनना सबसे सर्वोपरि धर्म है इंसान का, और वो अगर हम कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। भव्य मेरे भाई, अभी मैंने कमेंट पढ़ा आपका, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, और आप यहाँ पे होते तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनलाइन हो, और मैंने आपकी एक रचना पेश कर चुका हूँ, एक अभी मैं करने वाला हूँ, तो यहीं बने रहो मेरे साथ में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कॉर्ड एक बार दीजिएगा। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे बंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी, और ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ है ये भी आप लोगों को सुनाई पड़ रही होगी। आप ज़रूर मुझे लिख के बताएं, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने बताया कि भव्य भी अभी मौजूद हैं, देख रहे हैं हमें, एक बहुत ही ज़्यादा हमारे दिल के करीब एक गाना है जो मैंने राग जोग में कंपोज किया था, और ये गाना हमने तब बनाया था एक्चुअली जब पुलवामा टेरर अटैक्स हुए थे, तो हमने ये शहीदों को समर्पित किया था। ये गाना ऐसा है कि जब मैंने इसके शब्द पढ़े, जब भव्य ने मुझे भेजा, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, जबकि ये अभी मेरी ये बात करते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये शब्द इतने खूबसूरत हैं, दिल को इतने अंदर तक भेज देते हैं कि कई बार मुझे गाते गाते रोना आ जाता है, अभी मुझे बोलते वक्त भी थोड़ा सा रोना आ रहा है। तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं इसको कितना निभा पाऊंगा, मेरी कॉम्पोजिशन है
और मेरे को अगर गाते वक्त मैं थोड़ा सा भावुक हो जाऊं या थोड़े से सुर बहक जाए तो प्लीज़ आप इसमें मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये गाना है ऐसा कि मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। और अभी के टाइम पे जब हम देख रहे हैं इतनी बड़ी एक आपदा आई है, इस टाइम पे जो भी लोग हैं जो इस क्राइसिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं हमारे लिए, अपनी जान को दांव पे लगा के, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो बैंकर्स हैं, मैं खुद भी एक बैंकर हूँ तो मेरे बैंकर्स दोस्त अगर देख रहे हैं हम लोग किस तरह से ये काम करते हैं ये मैं जानता हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैंकर्स आप लोगों का। हमारा जिक्र हर कोई नहीं करता है पर मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा। और आप लोग, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं ये पूरे समाज के लिए एक अपने अपने उदाहरण है हम। और जो भी लोग जो ये काम करते वक्त नहीं रहे, शहीद हो गए, जिनका घर वाले इंतज़ार करते रहे, जो लौट के अपने घर नहीं जा पाए, उन सबको समर्पित ये गाना लौट कर जो लोग आने वाले थे, राग जोग पर लिखा हुआ भव्य का मेरा कंपोज किया हुआ। जिंदगी मिलकर बिताने वाले थे साथ में हम मुस्कुराने वाले थे, जिंदगी मिलकर बिताने वाले थे साथ में हम मुस्कुराने वाले थे, ले गई राहें उन्हें जाने कहाँ, ले गई राहें उन्हें जाने कहाँ, लौट कर जो लोग आने वाले थे, लौट कर जो आने वाले थे। वो गया तो रोज मरते रह गए, आंसुओं से आँख भरते रह गए, वो गया तो रोज मरते रह गए, आंसुओं से आँख भरते रह गए, अजनबी सा डरते रह गए, शाम इंतजार करते रह गए, आसमां का घर बनाने वाले थे हम, कई सपने सजाने वाले थे, ले गई राहें उन्हें जाने कहाँ, ले गई राहें उन्हें जाने कहाँ, लौट कर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा भाव विभोर कर देता है मुझे भी गाते टाइम। याद का साया उभरने लगता है, दिल हकीकत से मुकरने लगता है, ओ याद का साया उभरने लगता है, दिल हकीकत से मुकरने लगता है, दर्द जब हद से गुजरने लगता है, काटने को घर उतरने लगता है, हम गमों से दूर जाने वाले थे साथ जीवन लौट कर जो।
मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए, उन लोगों के घर वालों के लिए जो ऐसी किसी भी आपदा में या हमारे देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं और जिनका इंतजार घर वाले करते रह जाते हैं पर वो कभी लौट के नहीं आ पाते हैं। सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, पर मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करें सबके लिए। एक मैं मेरे दिल के बड़ा करीब है ये गाना, ये एक भक्ति गीत तो नहीं बोला जा सकता ये, पर मैं इसको भक्ति से जोड़ के देखता हूँ क्योंकि सांवरे के लिए गाया हुआ ये गाना है और बड़ा खूबसूरत गाना है, क्लासिकल बेस्ड। और मैंने अभी एक जब 3 बजे सेशन किया था उसमें मैंने गाया था, तो जो लोग नहीं सुन पाए थे उनके लिए मैं इसको एक बार दोबारा से गा देता हूँ। और नुसरत फ़तेह अली खान जी का गाया हुआ इसलिए, और मैं कोशिश करूँगा उसको जितना भी निभा पाऊँ, बहुत एक मुश्किल सॉन्ग है, पर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ सांवरे। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं इसको बाद में ज़रूर देख सकते हैं, ये लाइव रहेगा सेशन यहाँ पे मौजूद, इस पेज पे भी, मेरे पेज पे भी, आप इसको बाद में पूरा भी सुन सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं हम सबकी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है श्री सीमेंट राजस्थान फोरम और रघुमाला ट्रस्ट ने, बहुत ही कमाल का काम किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर से आप सबका कि ऐसा मंच आप प्रदान कर रहे हैं राजस्थान के आर्टिस्ट को, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं सबको, कि और इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप लोगों तक घर बैठे इतना अच्छा संगीत पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मेरे एक और अग्रज भ्राता अंकित भट्ट यहाँ पधार चुके हैं, जो बहुत अच्छे सितारिस्ट हैं। आपने रावण राम गाने में जो सितार के पीसे सुने बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने बजाए थे और 4 चांद लगाए थे उस गाने में, और उस गाने की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ इनका भी रहा है। तो थैंक यू अंकित भैया यहाँ होने के लिए। मैं चाहता था इस सितार पे आज कुछ प्रस्तुत करते, पर मैं आपको बताना चाहूँगा अभी अभी इनको बेटी हुई है और घर में हमारे लक्ष्मी आई हैं, तो आज उनके पास ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसलिए मैंने भी इनको ज़्यादा आज फोर्स नहीं किया, पर अभी ये यहाँ पे मौजूद हैं और सामने देख रहे हैं। थैंक यू। सांवरे आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, ये सही है। सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, याद तिहारी मोरा मन तरसाए, सारी मोरा मन तरसाए, सारी रहना नींद ना आए, बिरह की मारी देखो राह तिहारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सा
बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो साथ में बैठे हैं मेरे। आप सबको मैं एक बार रूबरू कराऊंगा। अंकित भी अगर आप एक बार दिखा सकें थोड़ा सा कैमरा एंगल सबकी तरफ करके, रूबरू आप सब इनसे हों। ये मेरे पिताजी जो तबले पे हैं, श्री हेमंत भट्ट जी, जिनकी कॉम्पोजिशन मोको कहाँ ढूंढे बंदे आपने सुनी। ये मेरे ताऊ जी श्री राजीव भट्ट जी मेरे साथ हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं, इनकी कॉम्पोजिशन आपने सुनी अब तो हरी नाम लो लागी। और गौरव भैया अभी अंदर हैं, मैं वो जैसे ही आएंगे आपसे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बहुत अल्प समय रह गया है, 10 मिनट ही हैं हमारे पास और, तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ जितना सुना पाऊँ आपको मैं सुनाता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये तीनों जो मैंने आपको बताए इन सबसे जो लोग जुड़े हैं जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा मेरे पूजनीय पद्मभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट दादाजी और सुधीर जी, संदीप जी, अपरा जी, श्री सर्वेश भट्ट जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आप सबको बहुत साधुवाद इतना अच्छा एक इनिशिएटिव सबके सामने लेके आने के लिए। मैं जितनी बार आपका धन्यवाद करूँ उतना कम है, लेकिन मैं बार बार बोलना चाहूंगा फिर भी। अभी आप अगर कुछ भी करना चाहें रिक्वेस्ट तो मैं वो जरूर ले सकता हूँ। और वैसे मेरे पास एक गाना है जो सुई धागा मूवी का एक बहुत ही सुंदर गाना है, तू ही अहम तू ही वहम, बहुत कुछ सिखाता है ये गाना भी, तो अगर आप चाहें तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। तू ही अहम तू ही वहम इस गाने के शब्दों पे आप जरा गौर कीजिएगा, मैं इसमें ताल नहीं लगवा रहा हूँ ताकि आप सबको सिर्फ मैं गाने के शब्दों से रूबरू कराता हूँ। बहुत ही खूबसूरत शब्द है ये गाना, बहुत अननोटिस गया था इस मूवी का, और लेकिन बहुत खूबसूरत गाना है। तो गीतिका दीदी मेरी सिस्टर है गीतिका भट्ट, उनसे मैंने सबसे पहले ये गीत सुना था, और आपको बहुत शुक्रिया गीतिका दीदी इस गाने से मुझे परिचित कराने के लिए। आप अगर देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तू ही अहम तू ही वहम, तू ही अहम तू ही वहम, तुझसे जुड़ा वास्ता हम हैं पाखी भटके हुए, तू सांझ का रास्ता, घाट तू ही पानी तू ही प्यास है, तू ही चुप्पी तू अरदास है, घाट तू ही पानी तू ही प्यास है, तू ही चुप्पी तू अरदास है। हमको तू ना माने, हम मानेंगे तुझको, दूर अंधेरों में भी पहचानेंगे तुझको, पर्वत तोड़े धर्म का हम पालेंगे तुझको, तू रंग भी बेरंग भी, तू रंग भी रंग भी, शंका तू ही आस्था हम हैं पाखी भटके हुए, तू सांझ का रास्ता, घाट तू ही पानी तू ही प्यास है, तू ही चुप्पी तू अरदास है, घाट तू ही पानी तू ही प्यास है, तू ही चुप्पी तू अरदास है। आ, 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 आ,
शुक्रिया बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको उम्मीद है ये वाला गाना भी पसंद आया होगा, इसके शब्दों पे आपने गौर किया होगा। पर्वत तोड़े धर्म का हम पालेंगे तुझको, तो तू रंग भी बेरंग भी, ये सब कुछ हमारे अंदर है ये बताता है, और जो कि वाकई में है, हमको बस ढूंढने की देर है। आखिरी 5 मिनट हैं, तो इसमें मैं क्या आप सुनना चाहेंगे, आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट कर सकें कि जो रह गया हो। प्रभु जी मुझे अब कुछ इतना धर्म ठीक है। मैं एक बहुत खूबसूरत गाना है, दो मैं फटाफट से दो गाने गा के और इस सेशन को मैं संपन्न करना चाहूँगा। एक गाना जो कि बहुत ज़रूरी मेरे दिल के बहुत करीब है, और तेरी मिट्टी इस गाने का नाम है। इस गाने को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है, अवार्ड्स में इसको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया जो कि हम सब उम्मीद करते थे। तेरी मिट्टी की कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और उसके बाद मेरे दादाजी का स्वर्गीय श्री महेंद्र भट्ट जी का एक भजन में गाते हुए इसको शाम को इस सभा को मैं संपन्न करना चाहूँगा। तो तेरी मिट्टी में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ ऐसे ही गा देता हूँ रॉ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ही रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। हो 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 गाऊंगा, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट साथ में नहीं बज रहे, ये बस मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की गुस्ताखी की। कुछ इसमें त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। और आखिरी जो भजन है वो मैं अपने दादाजी को समर्पित करूंगा, कि उनसे ही हम सब लोग हैं और उनसे ही सब कुछ सीखने को मिला है। बहुत अगेन ये बहुत ऐसा भजन है जिसके शब्द बहुत गहरी सीख देते हैं हमको, जीवन का पूरा एक जो समरी है वो हमारे सामने खोल के रख देते हैं। सूरदास जी की ये लिखी हुई रचना है, और कंपोजिशन मेरे दादाजी की, स्वर्गीय श्री महेंद्र भट्ट जी। प्रभु जी
हाँ पूजा मेरा खत एक घर बदीक परो हो एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर बदीक परो यह दुविधा पारस नहीं जाने यह दुविधा पारस नहीं जाने कंचन करत खरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो हो मोरे अवगुण चित न धरो एक नदिया एक नार कहावत मैं लोही नीर भरो हो एक नदिया एक नार कहावत मैं लोही नीर धरो जब मिलके दोनों एक बरन भरे जब मिलके दोनों एक बरन भरे सुरसरी नाम परो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो हो मोरे अवगुण चित न धरो कोटि कोटि नमन आप सब लोगों को यहाँ बने रहने के लिए इतना प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारा प्यार देने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लाइव सेशन देवव्रत भट्ट के साथ में अच्छा लगा होगा। मेरे साथ में पंडित राजीव भट्ट जी पंडित हेमंत भट्ट जी श्री गौरव भट्ट जी सब ने बहुत अच्छा साथ निभाया। आप लोगों को मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है। अपना आशीर्वाद आप मुझे देते रहिए और बहुत आप तीनों ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है लाइफ का और मैं बहुत धन्य हूँ आप लोगों का साथ मिला है। और फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजस्थान फोरम श्री सीमेंट रघु माला माथुर ट्रस्ट और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी मेरे दादाजी बहुत बहुत आदरणीय मेरे गुरु। मैं मतलब जितना कहूँ उनके बारे में कम है और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं राजस्थान फोरम से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हम सबको ये मंच प्रदान करने के लिए। उम्मीद है आप सब श्रोतागणों को ये सेशन पसंद आया होगा और अपने लाइक्स कमेंट्स इस पर देते रहें। अगर अभी नहीं जुड़ पाए तो बाद में ज़रूर जुड़ के इसको पूरा सुनें और प्रोत्साहित करें। अगले सेशन में फिर से आपकी मुलाकात होने वाली है श्री संजय रायजादा जी से जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और वो आपके सामने भजनों का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता प्रस्तुत करेंगे। तो संजय भैया भी हमारे बिल्कुल घर के हैं बहुत बहुत प्रिय हैं बहुत आदरणीय हैं। संजय भैया आपको ऑल द बेस्ट और हम फिर मिलेंगे आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहें।